अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा और आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन। अंडे आलू का सालन बनाने के लिए यहाँ पर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने छः अंडे लिए हैं जिनको मैंने अच्छा सा बॉईल कर लिया है, और यहाँ पर मैंने 4 अदद मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया है। हद पे ज़रूरत पानी चाहेगा। यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर, लहसुन और कुछ स्पाइसिस हैं, वो मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। चलिए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक देगची ले ली है, तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। मैं कुकिंग ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ और स्पाइसेस भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। 1/2 कप आप कुकिंग ऑयल ले लें। कुकिंग ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, उनको मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसको करेंगे अच्छा सा फ्राई। देखिए प्याज हमारा अच्छा सा फ्राई होना शुरू हो गया, बहुत बारीक मैंने इसको चॉप किया था। अब जो मैंने यहां पर 5 से 6 जवे लहसुन के मैंने चॉप किए हुए थे, ये देखें मोटा मोटा गार्लिक है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि ये भी इसके साथ ही फ्राई हो जाए। चलिए ये जब फ्राई होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारा फ्राई हो गया, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज जले नहीं। यहाँ पर मैंने 2 अदर टमाटर लिए, आप देख सकते हैं इनको मैंने कितना बारीक चॉप किया है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए 1/2 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है हल्दी, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्च का पाउडर ये भी 1/2 टीस्पून है। ये सब मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, धनिया पाउडर को भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है 1 टेबलस्पून है, और ये मेरे पास ग्रीन और रेड चिल्ली है, ये मैं अभी अपने भाई मैंने प्लांट लगाया हुआ है वहाँ से मैं तोड़ के लाई हूँ। चलिए इनको मैं अच्छा सा भून देती हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, सारा मसाला अच्छा सा तैयार हो जाए, ग्रेवी बन जाए। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त है हमारा मसाला, ये देखिए पकना शुरू हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कसूरी मेथी, और ग्रीन चिल्ली, ये मैं हाथों से ही 1/2 कप तोड़ लूंगी, चलिए ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। थोड़ी सी रेड भी डाल देते हैं। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छा सा भून लेंगे। 3 अदद मीडियम साइज के मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने 70% बॉयल कर लिया था। जो बाकी कसर है वो हमारे इस मसाले के साथ जब हम इसको भूनेंगे फ्राई करेंगे तो ये मसाले के साथ पक जाएंगे। चलिए इसको भी इसके साथ मिक्स करते हैं ताकि इसमें इसका मसाला अच्छा सा रस बस जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्त सा लग रहा है हमारा सालन। आप इसको नाश्ते में खा सकते हैं, आप इसको लंच में खाएं, आप इसको डिनर में खाएं। मसाले के साथ जो मैंने आलू ऐड किए थे वो मैंने अच्छे से इसको भून लिया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर डालूंगी 1 कप से कम पानी क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी।
पानी मैंने शामिल कर दिया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक कर दम दूंगी ताकि हमारे जो पानी है वो पकना शुरू हो जाए, हमारी अच्छी सी केवी भी तैयार हो जाए और जो 30% मैंने आलू नहीं बॉयल किए थे वो कसर पूरी हो जाए। फिर उसके अंदर मैं शामिल करूंगी बॉयल उबले हुए अंडे, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, डन डन हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मैं सालन को चेक कर लेती हूँ कि हमारी ग्रेवी कहाँ तक पहुँची है और हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो सेपरेट हुआ कि नहीं, वो देखें इतनी मज़े की ये लुक आ रही है ना सालन की। चलिए ये बिल्कुल रेडी है, फ्लेम को मैं कर दूँगी ऑफ और इसको करती हूँ मैं डिश आउट। चलिए जी इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी जो हमारे बॉयल किए हुए एग हैं, इनको अच्छा सा हम यहाँ पर सेट कर देंगे और मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ग्रीन चिल्ली हाथों से तोड़ के। आलू अंडे का सालन बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।